हेलो बच्चों अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू शाहर एजुकेशन पॉइंट फाइनली फाइनली हमारी ऐप आ गई है तो मैंने कल ही पोस्ट दिया था जिसमें मैंने आपको कहा था यू विल बी वेरी ग्लैड टू नो कि मेरी अपनी ऐप आई है तो उसको जाके आप प्ले स्टोर में डाउनलोड कर सकते हो और मैंने डायरेक्टली लिंक भी शेयर की है लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी भी हैं जिनको मेरे ऐप के बारे में पता नहीं है बेटा तो जब आप इस वीडियो को आप अच्छे से देखोगे अपना लेक्चर जब आप कंप्लीट करोगे तो अब आपको तब आपको क्या करना है डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर आपके साथ करूंगा वो लिंक क्या है वो मेरे अपनी ऐप है आई एम टू वेरी मच यू नो हैप्पी कि आज मेरी ऐप आई है तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन uh, में उसकी लिंक मैं दे दूंगा तो इस लेक्चर को पूरा अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने के बाद आप उस पर क्लिक कर सकते हो और ऑटोमेटिकली वो डाउनलोड होगी ठीक है बेटा तो काइंडली सपोर्ट यूर शाहिद सर तो उसके बेनिफिट्स क्या है कल जब आपकी एंट्रेंस क्लास होगी ना बेटा मैं लाइव क्लासेज ले, ले सकता हूँ उसी ऐप पे बिकॉज़ वहाँ पे स्टूडेंट्स स्ट्रेंग और टाइम का कोई इशू नहीं होता है अगर मैं वाइज ऐप पे पढ़ाता हूँ तो नॉट मोर देन 45 फाइव मिनट्स क्लास होती है और स्टूडेंट की कैपेसिटी सौ या दो सौ तक होती है ठीक है सिनस अलहमदिल्ला अभी मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं तो कल जाके मुझे प्रॉब्लम हो सकते हैं कि अगर बहुत सारे बच्चे मेरी ऐप थ्रू पढ़ना चाहते हैं तो वो उसी एप थ्रू पढ़ सकते हैं मेरी चैनल थ्रू पढ़ सकते हैं तो वो उसी ऐप पे पढ़ सकते हैं और मोर इम्पॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कुछ भी मैं पढ़ाऊँगा बेटा वो सारे नोट्स वहां पे होंगे एंड मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कल मैंने उसको उनके साथ बात की है जो जो ऐप बनाते हैं क्लास प्लस उसका नाम है जो ऐप्स बनाते हैं तो मैंने कहा कि मैं अपने बच्चों के लिए मिनिमम चार्जेस रखूँगा एंड मैंने आपसे प्रॉमिस किया था फिफ्टी रुपीज़ बट माई डियर आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी आई एम एक्सट्रीमली वेरी 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 सॉरी अगर आप मुझ पर बिलीव करते हो तो मैंने उनको कहा था कि ओनली जस्ट फिफ्टी रुपीज़ फॉर माई डियरेस्ट स्टूडेंट्स लेकिन उन्होंने कहा कि हम फिफ्टी रुपीज़ नहीं रखते हैं क्योंकि ये कंपनी का कंपनी का मोरल इससे डाउन हो जाता है कि इसे मतलब बहुत सारे जो अवेल करना चाहते हैं आपके नोट्स उनको वो जब खाली फिफ्टी रुपी देखेंगे तो वो कहेंगे कि नोट्स Uh, मतलब स्टैंडर्ड उनका फिर ठीक नहीं होता है इसलिए उन्होंने फिफ्टी रुपीज़ नहीं माना तो आपका मिनिमम चार्ज रहेगा बेटा हंड्रेड रुपीज़ हंड्रेड रुपीज़ में आप नोटिस अवेल uh, कर सकते हो मेरे उस ऐप से ऐप से ठीक है अगर आपको लगता है ठीक है तो वेरी गुड अगर नहीं लगता है अगर आपको इसी से काम चलता है तो वो भी इशू नहीं है लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहली शुरुआत जो है आपसे हो ठीक है तो अगर कोई मतलब लेना चाहता है उसको लेना चाहिए बिकॉज आई एम सेग यू कि जो कुछ भी मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं वो इसी तरह जो कोई भी पॉइंट में यहां पे पढ़ाऊंगा वही पॉइंट आपको उन नोट्स में भी मिलेगा और फिर जब आप इसको टैली करते हो कंपेयर करते हो आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलती है और आपको आपको वो कॉन्सेप्ट जो है वो और ज्यादा क्लियर होगा देखो कभी कभी क्या होता है जो आप वीडियो पे देखते हो सुनते हो जब आप बुक पे पढ़ते हो वहाँ पे कोई और अलग कॉन्सेप्ट होता है तो यू गेट वेरी मच कन्फ्यूज सही है ना बेटा तो इसका फायदा क्या है जो मैं कंटेंट पढ़ा रहा हूँ वही मैं शॉर्ट शॉर्ट करके शॉर्ट शॉर्ट करके कंपाइल करके एक बेहतरीन नोट्स में आ, नो, नोट्स बनाऊंगा और वो अपने ऐप पे डाउनलोड कर अपने ऐप पे वो रखूँगा तो जो फिर चाहता है वो मेरे ऐप से इसको डाउनलोड कर सकता है बट ही और शी हैज़ टू पे माई डियर हंड्रेड रुपीज़ सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू यू आई नीड यूअर मोर एंड मोर हेल्प कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वेदर यू आर गोइंग टू हेल्प योर शायद सर और नॉट थैंक यू मे अल्लाह ब्लेस यू सो कमिंग टू द टॉपिक नाउ आवर टूडेज़ टॉपिक इज माई डियर मीनिंग ऑफ हायर एजुकेशन मीनिंग ऑफ हायर एजुकेशन आपको पता ही है कि जो सोफर एस आर स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन इज कंसर्ड स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन में मैंने आपको बताया था वी हैव ए प्राइमरी एजुकेशन वी हैव सेकेंडरी एजुकेशन एंड वी हैव माई डियर टेरिशरी एजुकेशन देखिए हमारा टॉपिक यहां पे क्या है बच्चा मीनिंग ऑफ हायर एजुकेशन तो व्हाट डू यू मीन बाय हायर एजुकेशन हायर एजुकेशन इज नथिंग बट इट इज यूनिवर्सिटी एजुकेशन इट इज यूनिवर्सिटी एजुकेशन राइट तो अगर हम प्राइमरी और सेकेंडरी की बात करेंगे ना बेटा सो इट इज स्कूल एजुकेशन इट स्कूल एजुकेशन द एजुकेशन दैट वी कैन इंपार्ट इन द स्कूल राइट और सेम इज द केस हायर एजुकेशन वो एजुकेशन है जो हम इंपार्ट करते हैं यूनिवर्सिटीज में राइट right? तो ये बेसिकली यूनिवर्सिटी क्या है वट इज यूनिवर्सिटी कहा जाता है यूनिवर्सिटी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड यूनिवर्सिटस universitas which means institution institution or community or community or we can say it is called as cooperation cooperation तो माय डियर आपको याद रखना है मीनिंग ऑफ हायर एजुकेशन और यूनिवर्सिटी एजुकेशन का मतलब क्या है इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड अगर हम डिरावेटिव मीनिंग की बात करेंगे ना इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम योर लैटिन वर्ड यूनिवर्सिटस विच मीनज इंस्टीट्यूशन विच मीनज कम्युनिटी एंड विच मीनज कॉपरेशन आई होप बेटा दिस मच इज़ क्लियर नाउ नेक्स्ट वन हायर एजुकेशन और यूनिवर्सिटी एजुकेशन इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन देखो ये सेकेंडरी एजुकेशन है सेकेंडरी एजुकेशन के बाद को क्या कहते हैं पोस्ट मगर क्या पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन तो हम लिखेंगे यहां पे यूनिवर्सिटी एजुकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज पोस्ट सेकेंडरी education and it is also called as tertiary education right also called as tertiary education primary secondary tertiary okay is this clear very good so tertiary education now in order to understand the meaning of higher education i will quote here Two-three definitions. One definition from uh, Ernest Becker, another is from Kothari, another is from uh, jawahar lal Nehru. So let us see two-three definitions पे हम आते हैं। I am sorry, beta, आज की क्लास थोड़ा बहुत शॉर्ट होगी, because I have a very busy schedule. तो so basically मुझे छः बजे जो है अभी टाइम uh, जो है अभी five uh, thirty फाइव uh, थर्टी है तो मैं फाइव थर्टी पर आपकी क्लास ले रहा हूँ तो मेरी छः बजे की मीटिंग है इसलिए uh, मेरा जो टॉपिक यहाँ पे होगा ना वो खाली होगा मीनिंग ऑफ हायर एजुकेशन तो कल हम बेटा कल संडे है लेकिन मैं संडे को भी क्लासेस लूँगा संडे को भी क्लास अपलोड करूँगा और वहां पे हम बेटा डिस्कस करेंगे बड़े आराम से इतमान से डिस्कस करेंगे वट आर द ब्यूटिफुल एम्स ऑफ हायर एजुकेशन तो फिलहाल अभी हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ हायर एजुकेशन तो अगर आपको कल क्वेश्चन आएगा राइट शॉर्ट नोट ऑन द मीनिंग ऑफ हायर एजुकेशन तो याद रखना है आपको मीनिंग कैसे समझ आएगा व्हेन यू गो थ्रू द डिफरेंट डेफिनीशनस तो लेट अस सी व्हाट आर दीज डिफरेंट डेफिनीशनज आई विल जस्ट टेक टू थ्री डेफिनीशनस उन तीन डेफिनेशन से ही आपका जो कॉन्सेप्ट है हायर एजुकेशन का वो इनशाला कंप्लीट होगा जस्ट स्टे विद योर शाहिद साहब okay my dear so in order to understand the complete nature of higher education or meaning of education we have to study some important definitions the important definitions are number one ernest becker so according to the ernest becker what a university is A university is an ऑर्गेनाइज degree giving in institutions helping in the spread of knowledge. तो ये कल अगर आपका मतलब इरादा है आगे जाने का एंट्रेंस में एजुकेशन सब्जेक्ट में तो ये सारी डेफिनेशन आपको बेटा याद रखनी हैं तो वट अर्नेस्ट बैकर सेज इट सेज दैट अ यूनिवर्सिटी इज एन ऑर्गेनाइज डिग्री गिविंग institutions helping in the spread of knowledge okay coming to the next one next one is according to the kothari commission a university is a place according to kothari commission a university is a place where all are engaged in making their contribution towards सर्च ऑफ ट्रूथ एंड अकॉर्डिंगली डेवलप दियर पर्सनैलिटी तो यह सारी डेफिनीशन जो, है, ये जो है इसी तरह बिल्कुल आपको लिखनी है जो कुछ भी मैंने बोर्ड पर लिखा है जो कुछ कल मैं नोट्स में लिखूंगा वही आपको यहां पर लिखना है पहले मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा फिर जब आप मेरे नोट्स पढ़ोगे तो आई गारंट यू बेटा आपको इतना मजा आएगा कि पूछो मन ठीक है तो अकॉर्डिंग टू कोठारी कमीशन क्या है ये इट इज अ प्लेस वेर ऑल आर एंगेज इन मेकिंग देयर कंट्रीब्यूशन सर्च फॉर मेकिंग्रूथ एंड डेवलप दर्सनैलिटी राइट अनदर डेफिनेशन इज जवाहरलाल नेहरू ओके अ यूनिवर्सिटी स्टैंड फॉर अ यूनिवर्सिटी स्टैंड फॉर ह्यूमेनिज्म फॉर द रीजन फॉर द एडवेंचर एंड फॉर द सर्च ऑफ ट्रूथ तो ये सिंपल है याद आपको रखना है क्योंकि डेफिनेशन है डेफिनेशन में जितने भी पॉइंट्स है वो डिटो आपको वही लिखने है जो हैं जो डेफिनेशन में है अपना ही नहीं चलेगा ठीक है एंड थर्ड वन फोर्थ वन राधा कृष्ण कमीशन क्या, क्या कहता है अकॉर्डिंग टू द राधा कृष्णा यूनिवर्सिटीज आर द प्लेस और होम्स ऑफ इंटेलेक्चुअल एडवेंचर सो माई डियर दिस इज द नेचर ऑफ हायर एजुकेशन और यूनिवर्सिटी एजुकेशन यू कैन ऑल्सो राइट मीनिंग ऑफ हायर एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ डिफ्ट डेफिनेशन आई होप बेटा आपको बहुत बहुत अच्छे से यह समझ आ गया आई रियली देन प्लीज लाइक माई वीडियो शेयर माई वीडियो बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू जितना हो सके मेरी चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो एंड थैंक यू माई डियर फॉर अलेवन के वी आर नाउ द फैमिली मेंबर्स ऑफ अलेवन थाउजेंड राइट तो वी आर अलेवन थाउजेंड मेंबर्स नाउ ओके तो लेटे हिट दिस इ्वेंटी थाउजेंड लेट अस हिट कोशिश करो कैसे पॉसिबल है व्हेन यू शेयर माय चैनल जितना ज्यादा आप शेयर करोगे उतना ज्यादा मुझे लगेगा कि अब मेरा आप केयर करते हो ठीक है तो शेयर माय चैनल एज मच एज पॉसिबल और अभी तक अगर आप लोगों ने मुझे पता है बेटा मोर देन थर्टी परसेंट अमंग यू आर वो मेरा वीडियो देख रहे हैं लेकिन पता नहीं वो सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं तो जल्दी से बेटा अगर आपको लगता है कि मेरा कंटेंट सही है मेरा कंटेंट सही है मेरा लेक्चर सही है ओके तो यू काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल बेलाइकन सो दैट यू कैन गेट माई लेटेस्ट अपडेट्स एंड माई डियर वंस अगेन डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी ऐप की लिंक दी हुई है उसको जाके डाउनलोड करो और आने वाले दिनों में बेटा वहाँ पे ऑटोमेटिकली नोट्स आपको मिलेंगे वहाँ पे बहुत सारे मतलब कोर्सेज uh, होंगे लाइक फिफ्थ सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर आपको फिफ्थ सेमेस्टर कोर्सेज पे हिट करना है एंड अकॉर्डिंगली यू कैन गेट दैट नोट्स ओके तो यू आर गोइंग टू हेल्प मी यू आर गोइंग टू हेल्प मी बेटा आई नो आई नो यू आर गोइंग टू हेल्प मी यू वांट मी टू ग्रो यू वॉन्ट मी टू ग्रो एंड आई विल डेफिनेटली ग्रो ऑनली ऑनली बिकॉज आई हैव अ ग्रेट एक्सपेक्टेशन इज़ ऑन यू मुझे पता है कि आप मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करोगे करोगे ना बेटा थैंक यू मेरा ब्लेस यू एंड कीप ऑल इज लर्निंग